नमस्ते सलाम सत श्री अकाल लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल हमारे साथ। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है हमारी। प्लान ये था कि उस समय से मैं कुछ अपने लाइफ में चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी था, पर्सनल लाइफ में भी बिजी था, इसके लिए ये व्लॉग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ प्लान बने हमारे कि हमने सोचा वापस से क्यों ना कंटिन्यू किया जाए। इसके लिए काफ़ी दिनों के बाद तुम्हारा भाई वापस से चैनल पे आ गया है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा कुछ ना कुछ व्लॉग्स वगैरह कुछ ना कुछ वीडियोस आपको दिखाते रहूँ। इसी के साथ साथ में आज हम एक जर्नी पे जा रहे हैं जो कि है, अभी नहीं बताऊँगा, मैं रिवील नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाते रहूँगा, बीच बीच में मैं क्लिप शूट करूँगा। फाइनली जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तब मैं आप लोग को बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप लोग क्लिप्स वगैरह देखते रहना और गेस करते रहना बताने से पहले। तो आज हमारा अभी फर्स्ट, अभी जस्ट जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है, आप देख सकते हो आप लोग, हम एक स्लीपर एसी बस में बैठे हुए हैं जो कि हमारी डेस्टिनेशन के लिए हमें काफ़ी ईजी पड़ रहा है। तो वीडियो थोड़ा सा दो तीन पार्ट में बनाएंगे क्योंकि 4-5 दिन का स्टे है वहाँ पे, तो धीरे धीरे आपको पता चलते रहेगा, बने रहिए। जो ये हमारी जर्नी होगी ये मुंबई से होगी, बेसिकली ऑफकोर्स मुंबई से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन डेस्टिनेशन अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, बीच बीच में कुछ शॉट्स दिखाते रहूँगा। और फाइनली ऑफकोर्स यार कल जब मैं पहुँच जाऊँगा, कल ऑलमोस्ट मॉर्निंग 11-12 तक मैं पहुँच जाऊँगा, तब आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। देखते हैं कौन गैस कर पाता है बताने से पहले, कमेंट करना ज़रूर। बस की बात करूँ तो बस ओके है, अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए साइड में भी एक और सीट है जो कि पूरी तरह से मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से ये मेरी सीट है जिस पे मैं हूँ, ये बाजू में एक सीट है, ये यहाँ पे एक लगेज एरिया है, एसी वेंट यहाँ पे दो हैं, दो वेंट हमने इसको अपने मुंह पे घुमा के रखा है, मज़ा आ रहा है। वहाँ पे एक है और कुछ इस तरीके से इस बस का लुक है यहाँ से वहाँ तक। एक्चुअली हम बस के मिडल में हैं, इसके लिए काफ़ी अच्छा हम बोलते हैं ना कि झटका तो फील ज़रा भी नहीं हो रहा है, हमें झटका फील ज़रा भी नहीं हो रहा है। और अभी मैं कहाँ पहुँचा हूँ आपको दिखाता हूँ। एक बैड न्यूज़ है यार कि पीछे दो दो सॉकेट है लेकिन एक भी वर्किंग नहीं है, बैड लक, बट है हमारे पास जुगाड़ है, बैकअप हमने रखा हुआ है, पावर बैंक है हमारे पास, यूज़ करेंगे उसे। मैंने बोला कि अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं पहले ट्रायल कर लूँ, चलो ठीक है, पावर बैंक से कनेक्ट करके थोड़ा, क्योंकि कैमरे को मैं लाया नहीं, कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था बहुत दिनों से, यूज़ नहीं होने की वजह से हो सकता है, तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं यार, फ़ोन है हमारे पास, फ़ोन से शूट करेंगे। तो ठीक है, मैं फ़ोन को थोड़ा सा चार्ज पे लगा लेता हूँ, लगाने के बाद बीच बीच में मैं अपने आप को भी दिखाते रहूँगा, जो व्यूज़ हैं वो भी शूट करते रहूँगा। आप लोग गैस करना ज़रूर कि कहाँ जा रहे हैं हम, क्योंकि अभी पूरी रात की जर्नी होगी हमारी, रात में कहीं हम रुकेंगे और कल मॉर्निंग 10-11 बजे तक हम रीच कर लेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो उसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं रोड के, काफ़ी सारे सिनेरियोस, काफ़ी सारे नज़ारे आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा, बने रहो, चलते हैं आगे।
BMW की GS नेकेड, आई थिंक सो है तो BMW GS, लेकिन एक फेयरिंग वाली 310 आती है और ये मुझे लग रहा है बिना फेयरिंग वाली, जैसे अपाचे की बिना फेयरिंग वाली 310 आई है, उसके कंपैरिजन में ये है नाइस। फुल बारिश चालू है। खाना वगैरह तो हो गया, अभी रात का डिनर वगैरह हमने कर लिया है, अब बस यहाँ से हम भी निकलेंगे। ये हमारी बस खड़ी है पीछे, ये पिंक वाली हमारी बस है। जब सब हो जाएगा तो ड्राइवर साहब हॉर्न मारेंगे। अभी हम कहाँ हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि मैं सो गया था बस में, लेट्स सी, और रात की वजह से तो समझ में भी नहीं आ रहा है। अब देखते कहाँ रुकेंगे, माइट भी चाय वगैरह कुछ पीने के लिए तो बस रुकाएगा, तभी रुकेंगे वहाँ पर, और देखते हैं आगे की जर्नी वहाँ से दिखाऊंगा। रात में वैसे भी क्या दिखाऊंगा मैं आप लोग को, बस मैं तो अभी तक आप लोग को यही बोल रहा हूँ कि गेस करो कहाँ जा रहे हैं हम। कहीं तो जा रहे हैं जहाँ पे अभी ये डिनर करने के लिए भी हमारा बस वगैरह रुका है, अब सुबह चाय वगैरह नाश्ता करने के लिए रुकेगा, जैसे मैंने कहा था कल सुबह तक हम पहुँचेंगे। बने रहो साथ में, देखते हैं क्या होगा आगे। यहाँ पे तो ड्राइवर ने रोका है, अभी जहाँ पे हमने खाना खाया अभी हम खाना खाएंगे, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी यार। ये देख लो ये होटल है जहाँ पे हम स्टे, जहाँ पे अभी हम खाना खाने खा रहे हैं। कोई बताना कमेंट में कि कहाँ का है ये। अपना दाल खिचड़ी, ये होटल है। छः हो रहा है और हम
कोल्हापुर रत्नागिरी वाले रोड पे कोई है, माउंटेन पे है आई थिंक सो, क्योंकि पूरा फॉग फॉग सारी जगह पे फॉग दिख रहा है। बहुत मैसी रास्ता है, काफ़ी सारे कर्व्स हैं। मैं सोया था लेकिन सो भी नहीं पाया, उठ गया। किधर अभी शायद से माइट भी रुकेंगे चाय वगैरह पीने के लिए, तो मैं वहाँ रुकूँगा तो फिर वहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। बिकॉज जस्ट सोया था, बहुत डिस्टरबेंस, सो भी नहीं पाया यार प्रॉपर। पूरा ऐसा 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 इसके लिए मैं उठ के बैठ गया। मैं बोला कि बैठ ही जाता हूँ, देखता हूँ। वैसा व्यूज तो काफी अच्छे दिख रहे देखने से, अभी देखते हैं। ये रुकेंगे तो फिर आपको भी नज़ारा दिखाऊंगा मैं, तब तक के लिए गैस करते रहो गैस करते रहो। कोल्हापुर रत्नागिरी रोड पे हैं हम लोग, गैस करो गैस करो। ये है पूरा सीन, अभी जस्ट नीचे उतरे। अभी तो हम ये रत्नागिरी वाले रास्ते पे हैं। फॉग देखो फॉग, मॉर्निंग के नाश्ते के लिए जैसा मैंने बताया था हम यहाँ पे रुके हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट स्पॉट है, मस्त सुबह सुबह की धूप, चाय पी के शुरुआत कर लिया है अपन ने। ऑलमोस्ट शायद हम अपने डेस्टिनेशन के 5-6 घंटे के आसपास में, अभी 8 बज रहा है सुबह के। हमारी जर्नी कल 10 अक्टूबर 5:30 बजे से हमने स्टार्ट की थी, आज 11 अक्टूबर सुबह के 8 बज गया है। अभी और 5-6 घंटे लगेंगे। गैस करो कहाँ जा रहे हैं हम, गैस करो गाइस। जो यहाँ का होगा या जिसने सब नज़ारे देखे होंगे कहीं ना कहीं वो गैस कर लेगा कि कहाँ जा रहे हैं हम। देखो फुल सुनसान हाईवे, फुल माउंटेन से सिर्फ सिर्फ फॉग फॉग आगे दिख रहा है। अभी हम पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद मैं रिवील कर ही दूंगा वैसे, और शायद ये वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि 4-5 दिन का हमारा स्टे है, तो 5-6 पार्ट माइट भी आएंगे। सब चीज़ें दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, तो बने रहो साथ में। और देखने के बाद लाइक ज़रूर करना है यार, बहुत दिन के बाद स्टार्ट किया है तुम्हारे भाई ने वापस से, तो थोड़ा सपोर्ट कर देना, बने रहो साथ में। पूरा खाली खाली रास्ता, भागते हुए हम गैस करो गाइस, हम ऑलमोस्ट पहुंचने के नजदीक हैं। ज्यादा से ज्यादा आधे आधे घंटे में हम अपने बस से तो उधर ही जाऊंगा मैं।
लेकिन होटल जो हमने किया हुआ, होटल पहुंचने में 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। सिंपल है यार, इतने सारे कोकोनट ट्री दिख रहे हैं आपको। कोकोनट ट्री ज़्यादा कहाँ होते हैं, समुद्र के बाजू में। वीडियो को मैं एंड करूंगा यहीं पे फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट अब जब हम वहां पे पहुंचेंगे, सेकंड पार्ट तब से स्टार्ट करूंगा। बने रहो सेकंड पार्ट में।